अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद रहीम, तालका जुटो, डिस्ट्रिक्ट निपू खास। दोस्तों, सोशल मीडिया पे काफ़ी सालों से हम काफ़ी दोस्त एक्टिव भी हैं और मंशियात के एक मुर्स के अंदर जो काफ़ी लोग जो हैं वो मुतला कैंसर के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा जो इस टाइम जुटो शहर मंशियात का एक गढ़ बना हुआ है और हर जगह पर आपको मंशियात सरेआम नज़र आएगी। जुटो शहर का ये हाल है कि सुबह के टाइम आपको बच्चे कम नज़र आएंगे स्कूलों के और मंशियात फ्लोर जो सप्लायर जो हैं वो आपको दोस्तों ज़्यादा नज़र आएंगे। अब ये जद्दोजहद करने का मकसद क्या है? जद्दोजहद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। कानून की हुक्मरानी कैसे होगी? कानून की हुक्मरानी ऐसे होगी कि जो ऑफिसर जो होते हैं, ईमानदार ऑफिसर जो बिल्कुल हमारे काबिल एहतराम हैं, उनको कानून के रिट जो है वो कायम करानी होगी जुटो शहर के अंदर। और हमारा जुटो थाना जो सिस्टम जो है वो मंशियात फरोशों का और जराइम पेशा लोगों का भी जो है वो सिस्टम गढ़ बना हुआ है। उसके एक मिसाल आपको मैं सिंपल देता हूँ। मेरे जैसा सिविल सोसाइटी बंदा, आम एक सोशल वर्कर जो है, वो एक एप्लीकेशन देने जाता है, एप्लीकेशन उसकी नहीं ली जाती है और गरीबों की दीद रसाई नहीं की जाती है। यही अगर इसकी जगह कोई मंशियात फरोश या बासर कोई चंगा मुड़ अगर कोई एक फ़ोन करता है एसओचओ को, तो एसओचओ साहब उस बंदे को घर से भी उठा ले जाते हैं। यह बाकी काफ़ी जुटो शहर के अंदर हो चुके हैं जो मैं हर दफ़ा हाईलाइट कर चुका हूँ। अब दोस्तों, मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी मंशियात के ऊपर आवाज़ उठाएं और एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी सिंह, बराए मेहरबानी सर जुटो शहर की तरफ तवज्जा दें। चार दिन सिर्फ मंशियात बंद हुई है, 4 से 5 दिन। ऐसा जो बाजवा साहब थे, अगर नहीं हुई थी तो आपने बिल्कुल वो चेंज हो गए। अभी धनी बख्श मरी जो न्यू एसओचओ हैं सर, उनके आते के साथ ही मंशियात फरोश जो हैं वो बेलगाम दोबारा हो गए। केबिन पे हर जगह पर, केबिन पर हर जगह पर मंशियात सर आम सर मिल रही है। बराए मेहरबानी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक पाकिस्तानी होने के नाते, अपने वतनी होने के नाते, बराए मेहरबानी मंशियात के ऊपर कंट्रोल करें, मंशियात को रोकें सर, क्योंकि नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। और सर, दूसरी बात मैं ये आपसे अर्ज करता जाता हूँ सर, डीआईजी साहब, अगर कोई नौजवान हक की बात करता है तो उसको मौत मार धमकियाँ भी दी जाती हैं, प्लस ये कि उसको हर लिहाज से डराया भी जाता है। इंशाल्लाह जो भी लोग अगर धमकियाँ भी देंगे इस चीज़ में मुलविस होंगे और इंशाल्लाह उसके नाम भी हम आपको देंगे और हम आपको सेंड भी करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ सर कि मंशियात जुडिशियल में बंद हो। अस्सलाम वालेकुम।